भी विधायक या सांसद आज तक चुने गए हैं वो क्षेत्र के लिए नहीं अपने जेब के लिए चुने जाते रहे। परेशानी कुछ नहीं है, अभी जो गरीब लोगों को करना था वो कर लिए भाजपा वाले लोग। और क्या चाहिए भैया, हम लोगों को अभी दे रहे हैं ना, बस उतना ही ठीक है। क्या मिल रहा है आपको? अभी सब महिला लोगों को राशन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। भैया आप बताएंगे कि क्या बड़ा मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, हम फुटकर ठेला लगाने वाले हैं, भाई हैं भेल ठेला वाले, हमें व्यापारियों प्रशासन द्वारा हटाया जाता है और बस यही वो रहेगा कि रोड से हमको हटाए मत। तो रोजगार एक बड़ी चिंता आपके लिए? हाँ, फुटकर रोजगार, अगर प्रशासन को अगर कुछ करना है तो बाईपास बनाए, हमें कई सालों से वर्षों से धंधा कर रहे हमें मत हटाए, बस इतनी आलोचना है। अब कोई भी ये तो महासमुंद की जनता है, ये कह रहे हैं कि अगर बाईपास रोड बन जाता है तो ऐसे फुटकर जो दुकान लगाने वाले हैं इनको स्थान मिल जाएगा, तो रोजगार इनको मिल जाएगा। हर साल चुनाव आता है, हर साल मुद्दा रहता है, बाईपास का मुद्दा है, नया बस स्टैंड का मुद्दा है, दारू बंदी का मुद्दा है, लेकिन कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का शासन हो चाहे भाजपा का शासन हो, हर बार यही होता है, आश्वासन दिया जाता है इस साल ये हो जाएगा, इस साल ये हो जाएगा, बाकी कोई काम होता नहीं है। देखिए इस बार तो मौका मिलता है कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने का, तो आप बताइए कि एक अच्छा जनप्रतिनिधि में क्या गुण होना चाहिए? एक अच्छा जनप्रतिनिधि वो होना चाहिए जो एक आम आदमियों की समस्याओं का सुने। हमारे आगे जैसे कि आज जो भी सांसद बन जाता है तो सांसद बनने से पहले वो तो जनता के पास आएगा, जनता के पैर छुएगा, प्रणाम करेगा, सांसद बनने के बाद जनता उसके पीछे घूमती रहती है, उसको तो बात मिलने का टाइम नहीं रहता है, तो वो ऐसा सांसद मैं बोलता हूँ, चाहे किसी भी नेता को, सांसद का फर्ज यह होता है भैया कि आके वो पहले आम जनता की समस्याओं को सुने। जो लोग त्रस्त है, आज देखिए बाजार की स्थिति देख लीजिए, सब्जी बाजार की स्थिति देख लीजिए, त्रिपाल लगा इसको हटाने के लिए बोलते हैं, अब आदमी जाएगा कहाँ? डेली कमाने खाने वाले व्यक्ति जाएंगे कहाँ? अहम मुद्दा है कि एक बाईपास रोड होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट नगर होना चाहिए, नया बस स्टैंड होना चाहिए, और सब्जी मार्केट के लिए सब्जी मंडियों वालों को अलग जगह दे के यहाँ जितना सब्जी बाजार रहता है चिल्लर व्यवसायों को दे देना चाहिए, यहाँ पे रश इतना हो जाता है, सब्जी मंडी वालों को एक नया जगह देना चाहिए ताकि वो अपना लोडिंग और लोडिंग का काम दूसरे जगह करे और चिल्लर वाले यहाँ पे अपना काम करे। तो ये देखिए कि महासमुंद में जो लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बता रहे हैं बाईपास रोड और सब्जी मार्केट को बड़ा करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ हो जाता है। इस बार लोकसभा चुनाव है, क्या बड़े मुद्दे आपको लग रहे हैं? सबसे बड़े मुद्दे तो यही हैं, लोगों की बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जरूरी है शहर के लिए। बाईपास है ना, यहाँ भीड़ भाड़ होता है, ये जो मूल ठेकेदार लोग हैं उनको बाहर किया जाए ताकि फुटकर लोग, सरकार जो भी बने शिक्षा बेरोजगारी पर काम होना चाहिए। हाँ, शिक्षा बेरोजगारी और काम अधूरे लग रहे हैं आप? यहाँ तो कुछ है ही नहीं शिक्षा क्षेत्र में, देखोगे तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, एक तो मेडिकल कॉलेज अभी आया उसका भी बिल्डिंग भी नहीं है यहाँ पे, तो है ना, यहाँ तो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ, है ना। तो देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा और महंगाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। लोकसभा चुनाव है, आपके मन में क्या चल रहा है? हमारा मन में भैया मोदी है और कौन है दुनिया में, क्यों है मोदी? मोदी की गारंटी कैसे काम करेगा? पूरा काम करेगा भाई मोदी, गारंटी तो हर चीज के लिए काम कर रहा है वो, हर चीज के लिए काम कर। इस बार विश्वास है? हाँ विश्वास। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या बड़े मुद्दे लग रहे हैं? इस समय लोकसभा चुनाव में रूप कुमार चौधरी आ जाएगी, कि भाई भाजपा जो कार्य किया है वो कांग्रेस नहीं कर चुकी है। क्या किया भाजपा? भाजपा बहुत कुछ किया है, सड़क बनाया, बिजली भी किया है, लोगों को घर दिया है, निराश्रित पैसा दिया है, अभी 1,000 रुपया मासिक देने के बाद वादा किया है, इसलिए आगे आ जाएगी। तो ऐसा लगता है कि इन सबसे भाजपा को बड़ा फायदा होगा? जी हाँ। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, जहाँ पर देखिए कि काफी लोग यहाँ पर मौजूद है, आम जनता है, जनप्रतिनिधि है, कांग्रेस भाजपा के लोग हैं, और सीधे जानते हैं कि यहाँ महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में इस बार क्या बड़े मुद्दे रहेंगे। हम जानना चाहेंगे कि क्या इस बार बड़े मुद्दे रहेंगे? इस बार देश में जो महंगाई है, देश में जो नफरत के जो बाजार में हम कांग्रेस के साथी जो मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, ये मुद्दे के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। और जिस प्रकार से 2 करोड़ नौकरी का वादा, महंगाई कम करने का जो वायदा करके जुमलेबाज की जो सरकार केंद्र में आई थी, उसके खिलाफ हम जनमानस में अपने जाके अपनी बात को रखेंगे और जनता की लड़ाई को लड़ेंगे। कांग्रेस इस बार कौन से बड़े मुद्दे को लेकर मैदान में उतरेगी, क्योंकि पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू पर विश्वास जताया है, कितना खरा उतरेंगे? ताम्रध्वज साहू पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं, उसके पहले लोकसभा के सदस्य रहे हैं, उनको अनुभव है कि शासन कैसे चलाया जाता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, वो आज देश को सिर्फ
अलग अलग मुद्दों पर भटका रही है। आज देश में भ्रष्टाचार के साथ साथ महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आदमी जीएसटी के मार से उभर नहीं पा रहा है। आज गरीब आदमी का राशन इतना महंगा हो गया है कि महिलाओं को राशन लेने में तकलीफ हो रही है। महतारी वंदना के नाम में जो झुंझुना आज पकड़ाया गया है, जिसमें मात्र 30% महिलाओं को महतारी वंदना का पैसा मिला है और बाकी पैसा मिला नहीं है। अभी हमारे कांग्रेस की सरकार था तो कुछ विकास कार्य पटरी में आया है। अभी हमारे महासमुंद लोकसभा में शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है। मोदी जी ने लोगों को झूठा वादा कर दिया और बहुत सारे शिक्षा संस्थान खोलने की बात की, जो जमीनी स्तर पर बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ रेल लाइन का काम नहीं हुआ है। बहुत सारे रेल यातायात, अभी 55-60 हज़ार यात्री रेल को हमारे छत्तीसगढ़ से मोदी जी ने निरस्त किया है। आम लोग बहुत त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सांसद, अभी हमारे वर्तमान जो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद ये साबित कर रही है कि उन्होंने गलत प्रतिनिधि को मौका दिया था। इसका मैं आपको तुरंत उदाहरण दे रहा हूँ। उनके जो मातृवंदन कार्यक्रम जो अभी हुआ था, उस कार्यक्रम के इनविटेशन कार्ड में स्वयं उनके वर्तमान सांसद का नाम गायब है, है ना। ये सबसे बड़ी, मैं आपकी भारतीय जनता पार्टी अपने जो खुद अभी वर्तमान सांसद की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं, तो वो क्षेत्र के लोगों का क्या विकास करेंगे ये तो आप समझ सकते हैं। कांग्रेस के लोग हैं जो दमखम से अपनी बात रख रहे हैं और लोगों से चर्चा करते हैं। इस बार क्या बड़े मुद्दे रहेंगे भैया? ये हाँ, लोग देखते चाय पीने आते हैं तो क्या बड़े मुद्दे? अंतिम किस्त की राशि के भुगतान भी मैं करता हूँ, मतलब एरियस भी।